हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का कंप्यूटर का नया सिलेबस जो आया हुआ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सिलेबस में से 30% आपका कम कर दिया गया है, 30% आपका बाहर कर दिया गया निकाल के, क्योंकि COVID-19 महामारी के कारण किसी भी विद्यालय में समय से पठन पाठन नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से अपनी गवर्नमेंट ने, यूपी बोर्ड ने आपका 30% जो सिलेबस वो कम कर दिया। तो 30% सिलेबस में कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें निकाल दी गई, वो सारी चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। किस चैप्टर से कितना प्रश्न आएगा वो भी हम पढ़ेंगे। तो अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं क्लास 12th के, तो आपके लिए वीडियो डेडिकेटेड होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपनी किताब में, अपनी बुक में इसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखिए, यहाँ पे आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, COVID-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र सन 2020-2021 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नोक्त 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। इकाई फर्स्ट में देखिए क्या क्या कम किया गया है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ना है आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम एवं उसके प्रकार नहीं पढ़ना है, लाइनेक्स एवं उसके विभिन्न स्वरूप नहीं पढ़ने। इकाई टू में देखिए प्रोग्रामिंग जो था, कंप्यूटर समस्या समाधान तकनीकी के रूप में प्रोग्रामिंग के विभिन्न चरण नहीं पढ़ने। इकाई थ्री में प्रोग्रामिंग भाषाएं नहीं पढ़नी है। इकाई फोर में HTML प्रोग्रामिंग नहीं पढ़नी है, वेब पेज में हाइपरलिंक करना बनाना नहीं पढ़ना है। इकाई सिक्स में सी प्रोग्रामिंग एडवांस प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ना है। इनहेरिटेंस, एक्सेप्शन हैंडिंग का परिचय, पॉइंटर्स का परिचय, ठीक है। और बात करें आगे इकाई सेवन की, तो इकाई सेवन में आपको डाटा कंसेप्ट नॉर्मलाइजेशन नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब क्या क्या, ये तो रही बात की क्या क्या नहीं पढ़ना था, अब बात करेंगे क्या क्या आपको पढ़ना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 70% सिलेबस में क्या क्या है। पाठ्यक्रम मानविकी, ठीक है, वैज्ञानिक तथा वाणिज्य वर्ग के छात्रों के लिए है, ठीक है। इस विषय की लिखित परीक्षा 60 अंकों के एक प्रश्न पत्र 3 घंटे की समय अवधि की होगी। इसके अतिरिक्त 40 अंकों का प्रयोगात्मक परीक्षा भी होगी। प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु 3 घंटे की समय अवधि निर्धारित होगी। उत्तीर्ण होने के लिए परीक्षार्थी को लिखित प्रयोगात्मक तथा योग, ठीक है, प्रयोगात्मक तथा योग में न्यूनतम 20 और 13 तथा 33 अंक प्राप्त करने होंगे। समझ गए ना आप लोग, 40 में से 13 और 60 में से 20 अंक। इकाई वन में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं प्रोग्रामिंग, ठीक है, सॉफ्टवेयर से परिचय, सॉफ्टवेयर एवं उसके प्रकार। इकाई टू में एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड्स एवं सीजीसन टेबल। इकाई थ्री में प्रोग्रामिंग भाषाएं, लो लेवल लैंग्वेज मशीन एवं असेंबली, हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर्स, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज 4GLS। इकाई फोर में HTML प्रोग्रामिंग, वेब पेज एवं वेबसाइट की अवधारणा, HTML से परिचय एवं उसका स्वरूप, HTML टेक्स्ट द्वारा साधारण वेब पेज का निर्माण, वेब पेज में टेक्स्ट के फॉर्मेट एवं हाईलाइट करना। इकाई फाइव की बात करें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से परिचय, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की आवश्यकता, ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लक्षण एवं तथ्य, क्लास ऑब्जेक्टिव, इनहेरिटेंस, ऑपरेटर ओवरलोडिंग आदि से परिचय, स्ट्रक्चर्स प्रोग्रामिंग एवं ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अंतर। इकाई सी में प्रोग्रामिंग देखिए, इकाई सिक्स में सी प्रोग्रामिंग में क्या क्या पढ़ना है आप लोग को। एडवांस प्रोग्रामिंग जो है, क्लासेज तथा ऑब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स, फंक्शंस ओवरलोडिंग, एरेज। इकाई सेवन में डाटाबेस कंसेप्ट, रिलेशन डाटाबेस, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का परिचय, डेटाबेस अवधारणा, कंप्यूटर प्रतियोगिता। देखिए जो इसका, ये तो आप लोग का 60 नंबर का था, और कंप्यूटर का जो प्रयोगात्मक परीक्षा होगा उसमें आप लोग का कितना नंबर का था, 40 नंबर का। प्रयोगात्मक परीक्षा में विद्यार्थी के लिए HTML तथा C++ की प्रोग्रामिंग की परीक्षा होगी, जिसमें 2 प्रश्न होंगे। पहला HTML तथा 2 C++ प्रोग्रामिंग की संरचना एवं टेस्टिंग की जाएगी, तथा इसके साथ ही मौखिक परीक्षा वाइवा भी होगा। अंकों का विभाजन कैसे होगा वो आप लोग देख लीजिए। HTML का जो प्रयोग होगा 15 नंबर का, C++ का जो प्रयोग होगा 15 नंबर का, और मौखिक जो पेपर होगा आप लोग का 10 नंबर का। इस तरह से आप लोग का कितने नंबर का हो जाएगा बच्चों, ठीक है। टोटल आप लोग को नंबर मिल जाएंगे कितने, 15 15 10, और यहाँ पे 15 15 30 और 10 40 नंबर ये हो गए आप लोग के, ठीक है।
ये आप लोग का 40 नंबर का पेपर हो गया है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, पूरा अच्छी तरह से बता दिया गया है दो प्रयोग, और यहाँ पे प्रयोग आधारित सांख्यिकी जो है आप लोग का, उसके बाद आंतरिक मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग को बता दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बात किया जाए तो यहाँ पे वही चीज़ बता दिया गया कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक के परामर्श से पाठ्य पुस्तक के अनुरूप उपयुक्त पुस्तक का चयन कर लें, ठीक है। अगर पुस्तक आपको चाहिए आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक, तो बच्चों यहाँ पे कंप्यूटर का प्रयोगात्मक परीक्षा आपने देख लिया था, यहाँ पे देख लीजिए जो इकाई डेटाबेस था वो 8 नंबर का आने वाला था, ठीक है। उसके बाद इकाई सी जो आप लोग की प्रोग्रामिंग था वो आप लोग का 10 नंबर का आने वाला था, और यहाँ पे इकाई 5 का जो आप लोग का था यहाँ पे आप लोग का 8 नंबर का आने वाला था, और इकाई 4 की बात करें वो आप लोग का 10 नंबर का आने वाला था, और इकाई 3, ठीक है, इकाई 3 जो आप लोग का था वो कितने का 6 नंबर, इकाई 2 आप लोग का 10 नंबर, और इकाई 1 आप लोग का 6 नंबर। तो इस तरह से 60 नंबर ही आप लोग का होने वाले थे और 40 नंबर आपके प्रयोगात्मक परीक्षा होने वाले थे, तो टोटल 100 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। इस 60 नंबर में आपको 20 नंबर कम से कम लेके आने हैं, और इस 40 नंबर में आपको कम से कम कितने नंबर लेके आने हैं, 13 नंबर लेके आने हैं, तो टोटल आपका कितना नंबर हो जाएगा, 33 नंबर हो जाएगा। तब आप कम से कम अंक के साथ, न्यूनतम अंक के साथ पास होंगे, तो बच्चों इससे ज़्यादा ही आपको अंक लाना है, बहुत ही अच्छा नंबर लाना है, इसके लिए आप मेहनत कीजिए और पढ़ाई अपनी क्या कीजिए, सिलेबस के को देखते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।